हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो आज मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी क्वार्टाइल डेविएशन, जो कि है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में से एक। तो पहले जैसे कि हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मोड जो है सारा डिस्कस कर चुके थे, और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी बाकी था क्योंकि ये पहले एक्सक्लूडेड टॉपिक था तो वीडियोज में मैं नहीं डाली थी। तो इसीलिए बहुत रिक्वेस्ट आया है कि क्वार्टाइल डेविएशन भी डिस्कस करो। तो आज के वीडियो में क्वार्टाइल डेविएशन डिस्कस करने जा रही हूँ, उसको कैलकुलेशन, क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन फ्रॉम ग्रुप डाटा कैसे किया जाता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों के लिए और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लाऊंगी जो रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स का, क्योंकि तुम लोगों का एचएस सेकेंड ईयर का काउंसिल का एग्जाम बहुत ही सामने है, लेकिन टाइम कम है, पढ़ने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए तुम लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवाने के लिए बोल रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को 2015 से लेके, इसके पहले तो हम लोगों का सिलेबस अलग था, सिलेबस चेंज हो चुका है, तो 2015 से 20 तक का जो 2020 तक का क्वेश्चन पेपर है सारा सॉल्व करवा के दूंगी। 2021 में तो एग्जाम नहीं हुआ था, क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो 2020 तक हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, तुम लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा इम्पोर्टेंट सजेशन स्टेप मिल जाएगा, जो जो कॉमन है वो तुम लोग पढ़ सकते हो, उसमें से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, 1 मार्क से लेके 6 मार्क तक जो आया है फ्रॉम 2015 टू 2020 वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन करने से पहले हम लोग उसका फॉर्मूला जान लेते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन का मेनली तुम लोगों को 3 फॉर्मूला जानना होगा। क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला है क्यू डिनोट करता है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिवाइडेड बाई 2। ये है हम लोगों का क्वार्टाइल डेविएशन का मेन फॉर्मूला, क्यू इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये सर ये कैलकुलेट करने से पहले हम लोगों का और 2 फॉर्मूला चाहिए होगा, थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला, यानी कि Q3 माइनस Q1 जो है ये 2 हम लोगों का फॉर्मूला चाहिए होगा। तो Q3 का जो फॉर्मूला है L प्लस N बाई 4 माइनस CF बाई थ्री एन बाई 4। और Q1 का फॉर्मूला है सेम है, इसमें सिर्फ 3N बाई 4 किए थे और फर्स्ट क्वार्टाइल में N बाई 4 करेंगे, N बाई 4 माइनस F CF फ्रीक्वेंसी। तो ये मेन 3 फॉर्मूला हम लोग को चाहिए होगा। फर्स्ट है क्यू इक्वल्स टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। फिर Q3 का फॉर्मूला हम लोग का आता है जैसे कि मीडियम में तुम लोगों को मिला था, ऑलमोस्ट सेम है, इसमें L प्लस 3N बाई 4 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल जो हम लोगों का होता है। और Q1 का सेम है, L प्लस यहाँ पे है 3N, यहाँ पे N बाई 4 माइनस CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो क्वार्टाइल डेविएशन करने के लिए तुम लोगों का क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही टेबल मिलेगा, उसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दिया रहेगा, इतना क्वेश्चन पेपर्स में तुम लोगों को मिल जाएगा। ये है क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेशन फ्रॉम ग्रुप डाटा, याद रखना ये डाटा है हम लोगों का ग्रुप डाटा। तो ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों को जो करना होगा वो है हम लोगों का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होगा। और याद रखना क्वार्टाइल डेविएशन में मीन जैसा और बाकी और स्टेप्स इतना नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही तुम लोगों को कैलकुलेट करना होगा जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का फ्रीक्वेंसीज है उसको हम लोग नीचे से प्लस करते हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे हम लोग का क्लास इंटरवल का सबसे छोटा जो होता है, सपोज ये ज्यादातर एजुकेशन का जो टेबल्स हम लोग को मिलता है वहाँ पे ज्यादातर नीचे से ये स्टार्ट होता है, मतलब सबसे लोवेस्ट क्लास इंटरवल नीचे रहता है। तो नीचे से इसको क्लास फ्रीक्वेंसीज को हम लोग प्लस करेंगे,
जैसे कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है हम लोगों का 5, तो 5 लिखेंगे, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, प्लस 5 13, प्लस 4 17, प्लस 6 23, प्लस 2 25, 28 एंड 30। याद रखना यहाँ पे n नंबर, पूरा टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितना है, 30 है, तो यहाँ पे भी हम लोगों का कितना होगा, 30 होगा। नेक्स्ट हम लोग इसको फॉर्मूला में वो करके कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों का फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे थर्ड क्वार्टर यानी Q3। Q3 का फॉर्मूला L प्लस N बाय 4 माइनस CF बाय FQ भी लिख सकते हो, F भी लिख सकते हो, इनटू I। यहां मैं राफ वर्क के लिए मार्जिन दे रही हूं, तो ये फॉर्मूला हम लोग को मिला था, सॉरी 3N बाय 4, ये है हम लोगों का फॉर्मूला क्वार्टर डेविएशन का। तो Q3 का हम लोग का फॉर्मूला है L प्लस 3N बाय 4 माइनस CF बाय FQ इनटू I। तो सबसे पहले का जो हम लोग का स्टेप होगा, क्या करना होगा, 3N बाय 4 जो है ये हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, यानी N जो है हम लोग का नंबर ऑफ स्कोर, जो नंबर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने करके दिखा है, 3 फॉर्मूला में है 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, यानी नंबर हम लोग का 30 है, बाय 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 करने से 90 होता है, डिवाइडेड बाई 4, ये कैलकुलेशन के बाद 22.5 आता है हम लोग। तो ये 3N बाई 4 करके जितना मिलता है हम लोगों को, उसको हम लोग यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में उसको देखेंगे, कौन सा लाइन में ये नंबर हम लोग को मिलता है। तो याद रखना, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को 3N बाय 4 करके जितना मिलता है, जैसे कि 22.5 मिला, वो नंबर या उसका इमीडिएट बड़ा जो होता है, वो लाइन जिस लाइन में हम लोगों को ये मिलता है, वो हो जाता है थर्ड क्वार्टाइल का लाइन। आई रिपीट, 3N बाय 4 करके जितना मिलता है, 22.5 हम लोगों को मिला, तो हम लोग उसका नीचे से देखेंगे, 22.5 या उससे इमीडिएट बड़ा नंबर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे 22.5 तो नहीं है, उसका इमीडिएट जो बात बड़ा है वो क्या है, 23। तो ये लाइन हम लोगों का हो जाएगा Q3 का लाइन, यानी थर्ड क्वार्टर हम लोगों को इस लाइन पे मिला, ये पूरा लाइन हम लोगों का हो जाएगा थर्ड क्वार्टर का लाइन। ठीक है, तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को 3N by 4 करके जो मिलता है, सपोज यहाँ पे तुम लोगों को 20 मिलता, तो 20 या 20 से ज्यादा कौन सा है वो देखना होता। सपोज 15 मिलता, तो यहाँ पे देखना होता है 15 या 15 का इमीडिएट बड़ा नंबर कौन सा है, जैसे कि 17 है, तब ये होता Q3 यानी थर्ड क्वार्टर का लाइन। तो हम लोगों का 3N by 4 करके 22.5 मिला, यहाँ पे 22.5 तो नहीं है, उसका इमीडिएट बड़ा जो है वो लाइन हम लोग का हो जाएगा थर्ड क्वार्टर का लाइन। याद रखना, जितना नंबर मिलता है वो नंबर भी हो सकता है। सपोज यहाँ पे हम लोगों को अगर 23 मिलता, ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद कभी कभी 23 भी आ जाता है सपोज, तो ये 23 का लाइन ही थर्ड क्वार्टर का लाइन होगा, ऐसा नहीं है कि उसका बड़ा नंबर होगा। याद रखना, 3N by 4 करके जितना मिलता है वो नंबर, अगर वो नंबर नहीं है तो उसका इमीडिएट बड़ा वाला लाइन क्या होता है, थर्ड क्वार्टर का लाइन होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं L क्या है। L मतलब ये जो हम लोग का थर्ड क्वार्टर का लाइन है, उसका क्लास इंटरवल का ये है अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। तो L मतलब थर्ड क्वार्टर का जो लाइन है उसका लोअर लिमिट का 0.5 माइनस, 0.5 नहीं याद रखना, 0.5 माइनस। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का लाइन का लोअर लिमिट है 45, 45 से 0.5 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हम लोग का L कितना होगा, 44.5 प्लस 3N
फॉर्मूला 22.5 माइनस सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो हम लोगों का थर्ड क्वार्टर का लाइन है उसका नीचे वाला नंबर होता है हम लोगों का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी ये सीएफ। तो यहाँ पे थर्ड क्वार्टर का लाइन ये मिला, इसका नीचे वाला जो डिजिट है जो नंबर है जैसे कि 17, तो ये 17 होगा हम लोगों का सीएफ। फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो थर्ड क्वार्टर का लाइन है उस लाइन का फ्रीक्वेंसी कितना है 6 इंटू आई मतलब इंटरवल, या अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो गैप है जिसकी 45 से 49 तक अगर हम लोग काउंट करें 45, 46, 47, 48, 49 यहाँ पे 5 नंबर्स इंक्लूड होता है, यही होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो गैप है, तो इंटरवल हम लोगों का होगा 5। पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 44.5 प्लस 49.08। मैं समझा देती हूँ, फर्स्ट हम लोग 3n/4 करेंगे, 3n/4 करके 22.5 मिलता है, जो नंबर मिलता है वो नंबर या उसका इमीडिएट बड़ा हम लोग का हो जाता है थर्ड क्वार्टर का लाइन। फिर इसका l जो है, l मतलब ये थर्ड क्वार्टर का लाइन का जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस यानी 44.5 प्लस 3n/4 करके मिला 22.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो थर्ड क्वार्टर का लाइन है उसका नीचे वाला नंबर होता है हम लोगों का सीएफ यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि है 17। और फ्रीक्वेंसी मतलब ये थर्ड क्वार्टर का जो लाइन है वो फ्रीक्वेंसी होता है हम लोगों का FQ। याद रखना सीएफ तुम लोगों को देखना होगा थर्ड क्वार्टर का नीचे वाला लाइन में, और फ्रीक्वेंसी देखना होगा थर्ड क्वार्टर का लाइन का जो फ्रीक्वेंसी है, और इंटरवल हम लोगों का है 5। तो 22.5 माइनस 17 5.5, इसको इसके साथ इंटू कर दिए हैं, 5.5 इंटू 5 27.5 डिवाइडेड बाय 6 4.58, 44.5 प्लस 4.58 करके होता है 49.08। तो हम लोगों का थर्ड क्वार्टर कितना मिला, Q3 मिला 49.08। और तुम लोग हो सके तो कैलकुलेटर यूज मत करना क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तुम लोग को नहीं मिलेगा यूज करने को, तो इसीलिए तुम लोग जितना हो सके कैलकुलेटर बिना यूज करके ही करना। नेक्स्ट, मैं ये राब कर रही हूँ, बोर्ड में जगह नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों को जो मिलेगा वो है फर्स्ट क्वार्टल। थर्ड क्वार्टल हम लोगों को कितना मिलता है, मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, थर्ड क्वार्टल है 49.08। नेक्स्ट हम लोगों का फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का फॉर्मूला मिला था एल प्लस एन बाय फोर माइनस सी एफ बाय एफ क्यू इंटू आई, बाकी सेम है। थर्ड क्वार्टर में यहाँ पे क्यू थ्री और यहाँ पे 3n है, बाकी यहाँ पे क्यू वन और यहाँ पे एन बाय फोर। तो जैसे कि हम लोगों ने थर्ड क्वार्टर में क्या किए थे, 3n/4 किए थे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, फॉर्मूला में क्या है n/4, तो n है हम लोगों का 30, 30 को 4 से डिवाइड कर देंगे n/4 यानी 30/4 7.5 हम लोगों का क्या मिला n/4। तो थर्ड क्वार्टर में जैसे कि हम लोगों को 22.5 मिला था, यहाँ पे देखे थे 25 है, उससे ज्यादा जो है वो हुआ था Q3 का लाइन। सेम हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे n/4 करके हम लोगों को मिला 7.5। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लाइन में हम लोग देखेंगे 7.5 या उसका इमीडिएट बड़ा नंबर कौन सा है, नीचे से देखना। तो 7.5 या उसका इमीडिएट बड़ा है ये, ये 8 है हम लोगों का फर्स्ट क्वार्टर का लाइन Q1 फर्स्ट क्वार्टर। बाकी ये Q3 जैसे सेम है, L मतलब
फर्स्ट क्वार्टर का लाइन का जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस, लोअर लिमिट है 30 से 0.5 अगर हम लोग माइनस कर देते हैं होता है 29.5 प्लस n by 4 करके हम लोगों को मिला 7.5 माइनस CF है जो फर्स्ट क्वार्टर का वो है लाइन है उसका नीचे वाला नंबर है CF, CF है 6, फ्रीक्वेंसी है 2, फर्स्ट क्वार्टर का लाइन का जो फ्रीक्वेंसी है वही हम लोगों का फ्रीक्वेंसी होता है जो कि है 2, इंटरवल इसमें भी सेम है 5। ये कैलकुलेशन करने के बाद 29.5 प्लस 3.25। तो यहाँ ये सारा समझ में आ गया होगा। L मतलब फर्स्ट क्वार्टर का लाइन का जो लोअर लिमिट है उसका 0.5 माइनस प्लस n by 4 करके मिला 7.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट क्वार्टर का जो लाइन है उसका नीचे वाला CF, फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट क्वार्टर का लाइन का ये फ्रीक्वेंसी जो कि है 2, इंटरवल है 5। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम लोगों का ये नंबर मिला। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग Q1 हम लोग को मिला Q1 equals to 33.25। फिर हम लोग का मेन जो फॉर्मूला है क्वार्टर डेविएशन का वो देखते हैं। क्वार्टर डेविएशन का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला था, Q equals to Q3 minus Q1 divided by 2। Q3 हम लोगों को मिला था 49.08 माइनस Q1 मिला था 33.25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये माइनस करने के बाद 49.08 33.25 8 - 5 3 8 5 करके हम लोगों को मिला 15.83 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे 15.83 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14 आ जाएगा बराबर 2 9 जा 18 3 रहता है 7.91। तो हम लोग आंसर कितना आएगा 7.91 है हम लोगों का आंसर जो कि है क्वार्टर। ठीक है, Q3 मिला था 49.08 माइनस Q1 मिला था 33.25 डिवाइडेड बाय 2, दोनों माइनस करके मिला 15.83, 2 से डिवाइड करने के बाद है 7.91 जो कि है आंसर। तो बस इतना ही है, क्वार्टर डेविएशन इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से कर पाओगे। और तो इसके साथ हम लोग का सारा कैलकुलेशन खत्म हो गया, जैसे कि हम लोग को मिला था मीन मीडियन मोड और आज क्वार्टर डेविएशन हो गया ग्रुप डाटा का। तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए, तुम लोगों के एग्जाम बहुत सामने है, जैसे सेकेंड ईयर के एग्जाम सामने है। तो नेक्स्ट क्लास से मैं 2015 से लेके 2020 तक का जो क्वेश्चन बैंक है तुम लोगों का, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो सारा सॉल्व करवा के दूंगी। होप तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो तुम लोग वीडियो देखते रहना। नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम लोग 2015 से 20 तक तुम लोग सॉल्व करते हो तो तुम लोगों का बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट आएगा। ऐसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ना, लेकिन अगर तुम लोग क्योंकि टाइम कम है
कम टाइम में अगर तुम लोगों को चाहते हो कि ज्यादातर मतलब कॉमन क्वेश्चन आंसर्स तुम लोगों को मिले तो 15 से 20 तक मैं डिस्कस कर लूंगी वीडियो में, वो सारा तुम लोग देख लेना, नोट्स भी मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।